हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। स्विफ्ट और टवेरा में ले जा रहे थे अवैध शराब, मुखबिर की सूचना पर मिला जखीरा। शराब खराब है लेकिन अवैध बिक रही है। मामला खुरई का है, जहां अवैध शराब ले जाते हुए तीन आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक सागर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर SDOP खुरई के मार्गदर्शन में अवैध शराब परिवहन की रोकथाम के संबंध में निर्देश जारी थे। पुलिस शराब के अवैध परिवहन को लेकर अलर्ट पर है। ऐसे में ग्रामीण थाना प्रभारी को मुखबिर की सूचना मिली कि दो फोर व्हीलर से लाखों की शराब अवैध तरीके से ले जाई जा रही है। ग्रामीण थाना प्रभारी रोहित मिश्रा ने गंभीरता से लेते हुए ग्राम करोसा पर वाहन चेकिंग के दौरान एक टवेरा गाड़ी क्रमांक MP04T8713 और स्विफ्ट डिजायर MP15T2559 में 42 पेटी अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत 1,78,300 आकी गई। दोनों गाड़ियाँ पकड़ी, इसमें से टोटल 42 पेटी अवैध शराब मिल गई, जिसमें से देसी मसाला सफ़ेद और 4 पेटी रम की भी मिली। कितनी कीमत लगभग? करीब 1,80,000 की रखी जा। आरोपी कहाँ? आरोपी एक प्रवीण शर्मा है, सागर का रहने वाला है। राजकुमार ठाकुर है, वो भी सागर का है, एक मरियावल के पास का। यानी 369 लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस ने इस मामले में राजकुमार पिता कैलाश ठाकुर निवासी भगवानगंज सागर, प्रवीण पिता रामगोपाल शर्मा पगारा रोड सागर, जाहर पिता रहीम खान ग्राम पीपरा थाना नरियावली को, थाना प्रभारी रोहित मिश्रा, आरक्षक संजय प्रजापति, भूपेन परिहार, साजिद खान, आनंद खटीक, प्रदीप गोयल, दाल सिंह ने दोनों गाड़ियों के साथ अवैध शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया। सागर एक्सप्रेस न्यूज के लिए खुरई से इसरार खान की रिपोर्ट। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9827137475 9993776776।